नमस्कार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य। आज हम लोग ठोस आकृतियों के आयतन के अंतर्गत बेलन, शंख, गोला एवं पिरामिड के आयतन के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आयतन क्या होता है? हम जानते हैं कि ठोस वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इस घेरे गए स्थान की माप को उस वस्तु का आयतन कहा जाता है। यदि वस्तु खोखली है तो उसका अभ्यंतर रिक्त होता है, जिसे हवा या द्रव से भरा जा सकता है, जो उसकी धारिता कहलाती है। धारिता किसी वस्तु के अभ्यंतर में भरे जा सकने वाले द्रव या अन्य वस्तु का आयतन होता है। क्षेत्रफल अथवा आयतन किसी क्षेत्र का परिमाण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आयतन का मात्रक घन इकाई होता है। ठोस आकृतियों के आयतन के अंतर्गत आइए हम सबसे पहले बेलन के आयतन को समझने का प्रयास करें। बेलन क्या होता है? पहले हम बेलन क्या होता है इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे। कागज की अनेक वृत्ताकार शीट लेकर उनको एक के ऊपर एक रखने से अथवा कागज के आयताकार टुकड़े को उसकी लंबाई अथवा चौड़ाई के परितः घुमाने पर जो ज्यामिति आकृति प्राप्त होगी उसे लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। लंब वृत्तीय बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्यूबलाइट, कोल्ड ड्रिंक की केन, गोल बिजली का खंभा, पानी का पाइप इत्यादि। आयताकार आकृति को, जैसा कि बताया मैंने, बेलन किसी आयताकार आकृति को यदि उसके लंबाई अथवा चौड़ाई किसी के भी परितः अगर घुमाते हैं तो जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे हम लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बेलन का ऊपरी सिरा वृत्ताकार होता है और उसी तरह से निचला सिरा भी वृत्ताकार होता है। इस तरह के बेलन को हम लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। अब इस तरह के बेलन का आयतन क्या होता है इसे हम जानेंगे। जिस प्रकार समान माप के आयतों को एक के ऊपर एक रखकर घनाभ बनाया जाता है, उसी प्रकार समान मापों अर्थात समान त्रिज्या वाले वृत्तों को एक के ऊपर एक रखकर बेलन बनाया जा सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक समान माप के त्रिज्या वाले कई वृत्ताकार आकृतियां जब एक के ऊपर एक रखी जाती हैं, वृत्ताकार कागज के शीट एक के ऊपर एक रखी जाती है, तो जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम बेलन कहते हैं। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। हम देख रहे हैं चित्र में, यह एक बेलन है। इस बेलन का आयतन अगर मान ले कि ये इसका आधार जो वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या आर है और बेलन की ऊंचाई एच है, तो बेलन के आयतन को हम इस ढंग से लिख सकते हैं। बेलन का आयतन ये बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे बेलन की ऊंचाई। यहां आधार का क्षेत्रफल से आशय बेलन के आधार के क्षेत्रफल से है और ऊंचाई से आशय बेलन की ऊंचाई से है। जहां इसे हम सांकेतिक रूप में, अगर बेलन का आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, और अगर एच बेलन की ऊंचाई है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। अगर आर वृत्त की त्रिज्या है और एच बेलन की ऊंचाई है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। उदाहरण के लिए अगर हम ये मान लें कि कोई बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, अर्थात
आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? बेलन का आयतन वी इज इक्वल टू पाई गुणे 2 का वर्ग गुणे 4, मतलब पाई गुणे 4 गुणे 4 इज इक्वल टू 16 पाई के बराबर होगा। हम चाहें तो इसमें पाई का मान रख सकते हैं। पाई एक नियतांक होता है जिसका मान 22/7 अथवा 3.14 होता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से हम घनाभ का आयतन निकालते हैं उसी ढंग से ही हम बेलन का आयतन निकालते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं घनाभ है जिसका आधार शेडेड कलर में दिखाया गया है और उसकी ऊंचाई h है। तो जैसे घनाभ के आयतन को निकालने के लिए हम घनाभ के आधार का क्षेत्रफल और उसके ऊंचाई से गुणा करके घनाभ का आयतन निकालते हैं, उसी प्रकार बेलन का आयतन निकालने के लिए बेलन के आधार के क्षेत्रफल में बेलन की ऊंचाई से गुणा करके हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। बेलन के आयतन को जानने के बाद आइए अब हम शंकु के आयतन को निकालने की प्रक्रिया देखते हैं कैसे होती है। शंकु यदि किसी समकोण त्रिभुज को उसके आधार अथवा लंब किसी के भी परितः घुमाया जाए तो जो आकृति प्राप्त होगी उसे हम शंकु कहते हैं। माना कि यह एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसे हम इसकी लंबाई की भुजा BC के परितः घुमाएं तो जो आकृति प्राप्त होगी उसे हम शंकु कह सकते हैं। बिंदु A इस का शीर्ष कहलाता है। इस प्रकार से प्राप्त शंकु को लंब वृत्तीय शंकु कहा जाता है। बिंदु A इसका शीर्ष कहलाता है। AB शंकु की ऊंचाई है, BC शंकु के आधार की त्रिज्या है और AC शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को क्रमशः H, R और L से व्यक्त किया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से, शंकु की त्रिज्या को R से और शंकु की ऊंचाई को H से व्यक्त करते हैं। आइए हम देखें शंकु का आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं एक बेलन एवं एक शंकु दिखाई पड़ रहा है। दोनों ही बेलन और शंकु दोनों के आधार की त्रिज्या समान है तथा दोनों की ऊंचाई को भी समान लिया गया है, अर्थात जितनी ऊंचाई बेलन की है उतनी ही ऊंचाई शंकु की है जिसे H से दिखाया गया है, और आधार की त्रिज्या जितना बेलन के आधार की त्रिज्या है वही शंकु के आधार की त्रिज्या है। अब हम शंकु के आयतन को एक क्रियाकलाप द्वारा देखने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चित्र में ए बी सी तीन चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। पहले चित्र ए में देखिए एक बेलन है जिसकी ऊंचाई h है, दूसरा शंकु है उसकी भी ऊंचाई h है। बेलन के आधार की त्रिज्या r है, शंकु के आधार की त्रिज्या भी r है। हम शंकु में रेत को भर के बेलन में डालने की प्रक्रिया को करेंगे। एक शंकु रेत को भरेंगे, शंकु को पूरा रेत से भर लेंगे और उसे हम बेलन में स्थानांतरित करेंगे। और इस तरह की क्रिया करते हुए हम देखते हैं कि चित्र ए से बी, बी से सी की तरफ जब जाते हैं तो पूरे बेलन को भरने के लिए 3 शंकु रेत की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। अगर इस प्रकार हम 1 शंकु का आयतन निकालेंगे तो वो बेलन के आयतन का 1/3 होना चाहिए, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन 3/3। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे बेलन को बालू से यानी कि रेत से भरने के लिए शंकु के 3 शंकु रेत या बालू की आवश्यकता पड़ी। पूरे बेलन को भरने के लिए 3 शंकु रेत की आवश्यकता पड़ी, इसलिए शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 कहलाएगा। चूंकि दोनों ही शंकु और बेलन दोनों के ही आधार की त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई बराबर है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। इस प्रक्रिया को अगर कई बार दोहराते हैं तो यही चीज़ हमें प्राप्त होगी। और हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, तो इसलिए शंकु का आयतन
एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच होगा, जहां आर शंकु के आधार की त्रिज्या है और एच शंकु की ऊंचाई है। शंकु के आयतन को जानने और समझने के बाद आइए हम गोले के आयतन को जानने और समझने का प्रयास करें। गोला यदि किसी वृत्ताकार आकृति को उसके व्यास के अनुदिश घुमाया जाए तो हमें एक ठोस आकृति प्राप्त होगी जिसे गोला कहा जाता है। गोला गेंद जैसा होता है, जैसा कि आपने देखा है क्रिकेट की बॉल, टेनिस की बॉल, उसी तरह से हम मान सकते हैं कि गोला गेंद के आकार का होता है, लेकिन गोला ठोस आकृति होती है। वृत्ताकार आकृति का केंद्र ही गोले का केंद्र कहलाता है। गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति है जो स्पेस में स्थित उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होते हैं। निश्चित बिंदु को गोले का केंद्र तथा निश्चित दूरी गोले की त्रिज्या कहलाती है। गोले का कोई शीर्ष नहीं होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं गोले में कोई शीर्ष नहीं है और ना ही गोले का कोई किनारा होता है। आइए अब हम गोले के आयतन को निकालें। चित्र में ए बी सी तीन चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। चित्र ए एक बेलनाकार आकृति है। माना कि एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या आर है और बेलनाकार आकृति को पानी से, बेलनाकार बर्तन को पानी से भर दिया और उसे एक दूसरे बर्तन में रख लिया, जैसा कि आप चित्र बी में देख रहे हैं। अब बेलनाकार बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले को उस बेलनाकार आकृति के अंदर हम डालेंगे और निश्चित रूप से वह अपने आयतन के बराबर पानी उसमें से विस्थापित करेगा। विस्थापित पानी का मापन हम कर लेंगे और उसे हम नोट कर लेंगे। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है और हर बार विस्थापित पानी का आयतन निकाला जाता है और ऐसा हम पाते हैं विस्थापित पानी का आयतन उस मात्रा के बराबर है जो 4/3 पाई आर क्यूब करने से हमें प्राप्त होती है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। अतः हम कह सकते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, जहां आर गोले की त्रिज्या होगी। गोले का आयतन ज्ञात करने के बाद आइए अब हम अर्धगोले का आयतन ज्ञात करते हैं। चूँकि अर्धगोला गोले का आधा होता है, इसलिए अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होगा, जिसे हम 2/3 पाई आर क्यूब कहेंगे, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। मान लीजिए कि कोई गोला है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो उस गोले का आयतन हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। यदि गोले की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन 4/3 गुणे पाई गुणे 2 का क्यूब, इसे हम 32/3 पाई लिख सकते हैं। हमें पता है कि आयतन का मात्रक घन इकाई होता है, तो इसलिए इसे हम इतना घन सेंटीमीटर कहेंगे। गोले के आयतन को समझने के बाद आइए अब हम पिरामिड के आयतन के बारे में जानने का प्रयास करें। पिरामिड एक बहुफलक होता है जिसका आधार बहुभुज होता है। पिरामिड के पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं, अर्थात सभी पार्श्व फलक त्रिभुज का शीर्ष एक बिंदु पर मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दो प्रकार के पिरामिड दिखाई पड़ रहे हैं। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, जबकि दूसरे पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है। पिरामिड को उसके आधार के अनुसार नामांकित किया जाता है, जैसे त्रिभुजाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड इत्यादि। पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो इस प्रकार से है। पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पिरामिड है, अगर उसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात है और अगर उसकी ऊंचाई ज्ञात है तो हम उस पिरामिड का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। माना कि एक पिरामिड है जिसका आधार का क्षेत्रफल, जिसका आधार त्रिभुजाकार है। पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, बहुभुज भी हो सकता है। माना कि जो पिरामिड जिसका हम
आयतन ज्ञात करने जा रहे हैं उसका आधार त्रिभुजाकार है और त्रिभुज उसके आधार का क्षेत्रफल अगर 12 वर्ग सेंटीमीटर है और पिरामिड की ऊंचाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो ऐसे में पिरामिड का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल 12 और पिरामिड की ऊंचाई 4, हम पाएंगे कि पिरामिड का आयतन 16 घन सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ठोस आकृतियों के आयतन के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया है। ठोस आकृतियों में हमने 4 तरह की आकृतियों के आयतन को जाना है। सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, जिसे हमने पाई आर स्क्वायर एच कहा है। फिर हमने शंकु के आयतन को देखा है, जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अंत में पिरामिड का आयतन जो कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।